अलवर शहर के मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड मॉडुलस एकेडमी की तरफ से सबको नमस्कार। पिछले 5 सालों में अलवर शहर में कोचिंग के इतिहास में जो सबसे अच्छा काम किया है वो हम लोगों ने किया है। हम नहीं कह रहे ये हमारा रिजल्ट कह रहा है। हम लगातार 5 सालों से सिटी टॉपर दे रहे हैं। पिछले साल के रिजल्ट में हम लोगों ने जेई मेन में ऑल इंडिया रैंक 412, जे एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 416 और 100% के साथ जे एडवांस में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। नीट में हमारे यहाँ से 12th के साथ बच्चे का जो स्कोर रहा है 680 स्कोर रहा है, वो भी अलवर शहर का हाईएस्ट स्कोर है। और हमारे पहले ही बैच से जो 12th क्लास का पहला बैच है उससे 2 बच्चे अभी SMS में स्टडी कर रहे हैं। इस इंटरेक्शन का जो मेन मकसद था वो मेन मकसद है कि नेक्स्ट सेशन हमारे सामने है, हम उस नेक्स्ट सेशन की एडमिशन प्रोसेस को आज से शुरू कर रहे हैं। और उस एडमिशन प्रोसेस के लिए किसी भी संस्था का जो पहला स्टेप होता है वो होता है उसका स्कॉलरशिप टेस्ट। हमारा जो स्कॉलरशिप टेस्ट है इंक्लीमाइन, उसको हम लोग इस साल 17 दिसंबर को करने जा रहे हैं। इस बार हम लोगों ने इस टेस्ट में 8th क्लास और 10th क्लास के बच्चों को ही अवेलेबल कराया है, मतलब इस टेस्ट में 8th और 10th के बच्चे ही बैठेंगे। क्योंकि देखिए मेन जो कोचिंग की शुरुआत है वो या तो 9th क्लास से होती है या 11th क्लास से होती है। और स्कॉलरशिप टेस्ट से फ़ायदा क्या है, देखिए अलवर के जितने भी ब्रिलियंट माइंड्स हैं वो ऑलमोस्ट मॉडुलस में पढ़ते हैं, और इस टेस्ट से आपके बच्चे को उन माइंड्स के साथ कम्पीट करने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और अगर आप आगे चल के IIT या नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं, खैर 10th वाले तो अभी इस साल ही तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे, तो उनके लिए एक जो हमारी ट्यूशन फीस है उसमें 100% तक की स्कॉलरशिप हम इस टेस्ट के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं। और मॉडुलस में क्या फ़ायदा है या मॉडुलस अन्य कोचिंगों से कैसे डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, देखिए मॉडुलस 5 साल से यहाँ काम कर रहा है और हम लोग 6-7 लोगों की जो टीम है जिन्होंने शुरुआत की वो पूरी टीम आज भी एकजुट है। और किसी भी संस्था के लिए फैकल्टी उसका बैकबोन होती है, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि मॉडुलस की फैकल्टी अनमैच्ड है, स्टेबल है, किसी अन्य संस्था के पास इस तरीके का स्टाफ नहीं है। जो टीचिंग मेंबर्स है उनकी जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो कॉलेज स्टडीज़ है, उनका जो फिर एक टाइम रहा है मॉडुलस में वो लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप दूसरी बात ये, आप किसी भी पेरेंट से आप बात करके देखिए, मैं आपको 100% श्योर कर रहा हूँ कोई पेरेंट्स आपको नेगेटिव फीडबैक नहीं देगा। क्योंकि हम लोग खुद हैं, हम बच्चों के साथ मेहनत करते हैं और बच्चों को उसके जो उसका अचीवेबल एम है उससे भी ज़्यादा उसको देने की कोशिश करते हैं। और पेरेंट्स से मैं लास्ट में एक और अनुरोध करूँगा कि टाइम कम है तो आप सब लोग इस एग्ज़ाम के बारे में अपने मिलने वाले से, अपने जानने वालों को सोशल मीडिया के थ्रू सब लोगों को अवगत कराएं। थैंक यू।